सॉरी। अपन के बाहुबली की पिक्चर सेट हो चुकी है, वो भी यहाँ कोटा में। अपन आकाश भाई के आशीर्वाद से आज जय कोटा की। हेलो गाइस, दिस साइड यश भैया एंड यू आर वाचिंग कोटा राइडर्स। और जैसा कि आप लोगों को पता है, आपने वन डे वन बॉल ओवर मीटअप का आज नौवा दिन है और नवे दिन में अपने आज सेलेक्ट हुए हैं आकाश मीणा भाई। तो अभी अपन उनसे मीटअप के लिए जस्ट निकल रहे हैं। उन्होंने लोकेशन सेलेक्ट करी है गुजर की तड़ी। आज भाई का बहुत बहुत थैंक्स भाई, आज के मीटअप में अपने योगदान दिया भाई ने। और आई होप गाइस आप लोगों को मेरे मीटअप सीरीज में मजा आ रहा होगा। तो जिसने अपना कल का व्लॉग नहीं देखा है वो यूट्यूब पर जाकर अपना कल का व्लॉग देख सकता है। कल का व्लॉग भाई डीसी के साथ था, जो कि भाई बहुत बड़ा स्टंट मैन है। और आज का जो आकाश मीणा ब्रो है उसका टैलेंट तो अपन को जाके पता लगेगा कि भाई है ही क्या अपने आप में। आपने को बहुत हल्के में ले रहा है, क्योंकि आजकल आप जानते हो गली गली में बाहुबली है। तो हो सकता है भाई कटप्पा निकले, बाहुबली निकले, बल्लाल देव निकले, कोई कुछ भी हो सकता है। और गाइज आप मीटअप के लिए मेरे इंस्टाग्राम की रील पर कमेंट कर सकते हैं, उसी में से मैं कमेंट पिक करता हूँ। और अपनी मंजिल आने ही वाली है। और आकाश मीणा ब्रो तो सेना लेकर खड़ा है। अच्छा कौन है भाई आकाश भाई? अरे भाई वेट तो नहीं करा दिया मैंने? हेलो गाइज, दिस साइड यश भैया एंड यू आर वॉचिंग कोटा राइडर्स। और आज आप लोगों को पता है अपन किससे मिलने आए थे? मैंने बताया था ना रास्ते में, कोई कटप्पा, कोई बाहुबली या कोई बल्लाल देव भी हो सकता है। तो बल्लाल देव के नाम पर अपन को भाई मिल चुके हैं तरुण। सॉरी। और बाहुबली के नाम पर आकाश भाई। खड़ा है। और ये इनके साथ सेना लेकर आए खतरनाक लोग। ये भाई और मामा कटप्पा तुम्हारे साथ। जय बासमती चावल। अरे कटप्पा सच में है क्या भाई? भाई असलियत में कटप्पा भी दिख गया अपन को। अपन के बाहुबली की पिक्चर सेट हो चुकी है, वो भी यहाँ कोटा में। अपन आकाश भाई के आशीर्वाद से आज जय कोटा की। तो आकाश भाई मुझे आप लोगों से मिलके देख भाई बहुत अच्छा लगा है। अब तुम्हें मुझसे मिलके कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा। उधर देख के जरूर बताना तू। भाई शेष भाई से मिलके भी बहुत अच्छा लगा मैं। सच में लगा ना भाई? सच में। एक तो मुझे देख के ऐसे बोल रहा हूँ। नहीं। और बाकी कुछ चार शब्द बोलो तू। चार शब्द का ही बोलो बताओ। गुल आपके तरफ से अगर मेरे फैन फॉलोइंग जो भी है, जो मुझे फॉलो करते हैं, उनको अगर कोई भी सीख देना चाहते हो अपने ट्रैफिक के बारे में बोल सकते हो, घर वालों के बारे में बोल सकते हो, बाहर वालों के बारे में, दोस्तों के बारे में, लड़की के बारे में, अच्छे बुरे कुछ भी जो भी आपको एक्सपीरियंस हो वो चीज के बारे में अगर आप बोलना चाहो, सिखाना चाहो तो जरूर सिखाओ। तो भाई कम से कम एक दो साल से भाई मेहनत कर रहे हैं बहुत ज्यादा, अपने लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग ला रहे हैं, अच्छे अच्छे वीडियो रील ला रहे हैं, आड़ोती क्षेत्र को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो भाई इससे ज्यादा भाई भाई को बहुत ज्यादा प्यार दो, बहुत ज्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि भाई इनकी जो वीडियो भाई एक्सीलेंट बहुत ज्यादा अच्छी लगती है देखने में, आड़ोती क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा चलती है। और इनकी आप गाड़ी देख ही सकते हो R15 जो मॉडिफाइड नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी इनकी जो फोन फॉलोइंग है इतनी अच्छी है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब बिल्कुल भाई बढ़िया है। और इनका अभी यूट्यूब चैनल नया नया बनाया है, उनपे 1.88K सब्सक्राइबर है, उनको ज्यादा से सब्सक्राइब करो। तो भाई को बहुत ज्यादा बहुत प्यार दो। बहुत थैंक यू ब्रदर। भाई का आशीर्वाद तो थोड़ा मोटा था पर मुझे हजम हो गया, आप चिंता ना करें। है नहीं है, बाकी मुझे भाई की बात बहुत अच्छी लगी। देखो भाई लोग एक जोस्ट या किसी भी तरीके की जो मॉडिफाइड चीज है उसको मैं प्रमोट बिल्कुल नहीं करता हूँ, क्योंकि उसके चलते अगर आप लोग प्रमोट करते हो या आप लगाते हो तो उससे आपको चालान और पुलिस का सामना करना पड़ सकता है, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी मेरा दोस्त या भाई किसी भी तरीके को कोई प्रॉब्लम हो। बाकी आप लोग जान सकते हो तरुण अपन में सबसे बड़ा और चौड़ा आदमी है, तो ये बता सकता है कि ये चीजें गलत है नहीं है, बकवास चीजों का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब आप लोग को तरुण भाई, अब ये तो काम आने की चीज है, उसमें क्या है, ये तो पहनना जरूरी है। अब कल से हमारे साथ ही कुछ हो जाए तो बिल्कुल राइडिंग जैकेट पहनो, पर एक जोश नहीं लगा, साइलेंट गलत है, ये गलत है, इससे नॉइज पोल्यूशन भी होता है, डिस्टरबेंस भी होता है, लोगों को पता नहीं क्या क्या दिक्कतें आती है, और चालान भी बन सकता है, भारी वाला गाड़ी जब्ती में भी जा सकती है, तो इस चीज का तो बिल्कुल इस साथ नहीं है। और अपने ये भाई है थोड़ा देसी भाई, नाम बताओ भाई। अपना नाम देवेश गुजर है। देवेश गुजर भाई, गुजर ब्रो
Yes, समझ रहे हो yes, इसके yes. क्या है थोड़ी पैर में दिक्कत है तो अपन इनका बैठे बैठे थोड़ी बहुत इनकी बातचीत सुन लेते हैं बैठे बैठे कुछ चार शब्द कम से कम एक मैसेज तो दो कि मेरा तानसेन कम करनी चाहिए विमल ज्यादा खानी चाहिए ऐसे कुछ मैसेज दे सकते हैं। तानसेन विमल हम खाते नहीं है तो गुटखा खाते हम। हाँ तो भाई की बात आपने सुनी होगी भाई तानसेन गुटखा नहीं खाता पर पान वान चल जाता है भाई के है नहीं कभी कभी चलता है ना पान चलता है फुल चलता है बिल्कुल। तो सारी पब्लिक मीठा पान खाए जर्दी वाला नहीं खाए। बाकी मुझे भाई लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगा। अब अपन मिलते हैं कल नए दिन के साथ नए व्लॉग के साथ और नए आदमी के साथ। आदमी कोई सा भी हो सकता है मुझे इस बात का पता नहीं लगता वो तो मिलने पर ही पता लगता है कि कौन आकाश है कौन तरुण है और कौन कटप्पा है। तो मिलते हैं अपन कल नया व्लॉग देखने के लिए जुड़े रहे और सारी कोटा पब्लिक को जय श्री राम जय श्री राम।